हेलो, मैं हूं एडवोकेट सुनील कुमार। सेक्शन 1 द भारतीय न्याय संहिता 2023। सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023। इस एक्ट को भारतीय न्याय संहिता 2023 कहा जा सकता है। सब सेक्शन 2 इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे by notification in the official gazette appoint and different dates may be appointed for different provisions of this sahita। यह act प्रभावशाली होगा उस तारीख से, उस date से जिस date को central government official gazette में notification के द्वारा कह सकती है कि इस date से यह act लागू होगा। और इस संहिता के अलग अलग प्रोविजंस अलग अलग डेट पर भी लागू किए जा सकते हैं। सब सेक्शन 3 एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रैरी टू द प्रोविजंस देयर ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। सब सेक्शन थ्री कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया के अंदर कोई ऐसा एक्ट करता है या कोई ऐसा ओमिशन करता है जो इस संहिता के प्रावधानों के विरुद्ध है, तो उसे इस संहिता के प्रावधानों के तहत ही सजा दी जाएगी, किसी दूसरी तरीके से सजा नहीं दी जाएगी। तो इसमें समझने वाली बात क्या है? नंबर 1, कोई एक्ट किया गया है या कोई ओमिशन किया गया है। ओमिशन का मतलब होता है काम को ना करना, एक्ट का मतलब होता है किसी काम को करना। जैसे मैंने किसी को अरेस्ट किया, ये एक्ट है। मेरी ड्यूटी है किसी को अरेस्ट करना, मैंने अरेस्ट नहीं किया तो वो ओमिशन हो गया। तो नंबर 1, किसी ने कोई एक्ट किया है या किसी ने कोई ओमिशन किया है और वह एक्ट और ओमिशन इस संहिता के प्रावधानों के विरुद्ध किया है। समझने वाली बात है कि वो जो एक्ट और ओमिशन किया गया है वह इंडिया के अंदर किया गया है, तो उस व्यक्ति को इस संहिता के प्रावधानों के तहत ही सजा दी जाएगी। तो सबसे समझने वाली बात क्या है कि वह एक्ट या ओमिशन इंडिया के अंदर किया गया है। इंडिया के अंदर, इसका मतलब चाहे किसी ने भी किया हो, इससे मतलब नहीं है कि वो किया किसने है। हो सकता है वो किसी अमेरिकन ने किया हो, हो सकता है वो किसी पाकिस्तानी ने किया हो सकता है वो किसी बांग्लादेशी ने किया हो सकता है वो किसी रशियन ने किया हो। अमेरिका से कोई आदमी आया है, अमेरिकन सिटीजन है, वो इंडिया में आया है घूमने के लिए, इंडिया में आके उसने कत्ल कर दिया, तो वो जो एक्ट हुआ है या जो ओमिशन हुआ है, एक्ट और ओमिशन को सिंपल भाषा में मैं अपराध कह रहा हूँ, वो जो अपराध हुआ है वह अपराध इस संहिता के प्रावधानों के विरुद्ध है और वह अपराध इंडिया में हुआ है, तो जिस किसी ने भी किया है उसको इस एक्ट के तहत सजा दी जाएगी। वो ये नहीं कह सकता कि जी मेरे को तो आप अमेरिका के कानून के हिसाब से सजा दे दो। नहीं, आपने इंडिया के अंदर किया है, किसी ने भी किया है इंडिया के अंदर और इस संहिता के विरुद्ध किया है, तो इस संहिता के हिसाब से उसको सजा मिलेगी। फोर्थ सबसेक्शन एनी पर्सन लायबल बाई एनी लॉ फॉर द टाइम बींग इन फोर्स इन इंडिया टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया। तो सेक्शन 4 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी एक्ट को इंडिया के बाहर करता है, और किसी ऐसे कानून की वजह से जो इस समय इंडिया में लागू है, उसकी वजह से उस व्यक्ति पे इंडिया में मुकदमा चलाया जा सकता है। कोई भी ऐसा कानून जो इंडिया में लागू है और उस कानून की वजह से उस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन उस व्यक्ति ने वह अपराध इंडिया के बाहर किया है, तो यह माना जाएगा, तो उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा कि मानो उसने यह अपराध इंडिया के अंदर ही किया है। वो ये नहीं कह सकता कि जी मैंने तो अपराध इंडिया के बाहर किया है तो मेरे ऊपर मुकदमा क्यों चलेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, इंडियन सिटीजन है,
इंडियन सिटीजन के ऊपर इंडिया में मुकदमा चल सकता है, इंडियन सिटीजन के ऊपर इंडिया में मुकदमा चल सकता है, चाहे उसने अपराध कहीं पे भी क्यों ना किया हो। तो इंडिया के अंदर एक कानून है जो प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड है। अगर आप वेश्यावर्ती करते हैं, अगर आप वेश्यावर्ती में संलग्न हैं, अगर आप वेश्यावर्ती में इन्वॉल्व हैं, तो आपके ऊपर इंडिया में मुकदमा चल सकता है अगर आप इंडियन सिटीजन हैं। अब आप किसी ऐसे देश में चले गए जहाँ पे वेश्यावृत्ति को अपराध ही नहीं माना जाता, जैसे आप थाईलैंड चले गए या आप कहीं और चले गए, हैं आप इंडियन सिटीजन लेकिन आप वहाँ पे गए, आपने वहाँ पे जाके वेश्यावृत्ति में आप इन्वॉल्व हो गए, उसके बाद आप इंडिया वापस आ गए, आपके खिलाफ सबूत है कि आपने वहाँ वेश्यावृत्ति में इन्वॉल्व थे, तो आप ये नहीं कह सकते कि जी मैंने तो जो वेश्यावृत्ति का काम किया था वो थाईलैंड में किया था, वहाँ तो ये अपराध ही नहीं है, इंडिया में तो मैंने किया नहीं, तो फिर मुझ पे मुकदमा क्यों चलाया जा रहा है? ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों? नंबर वन, आप इंडियन सिटीजन हैं। नंबर टू, भारतीय कानून के हिसाब से वेश्यावृत्ति करना अपराध है। तो इस सबसेक्शन के हिसाब से अगर आपने कोई अपराध इंडिया के बाहर किया है और वह इंडिया में एक अपराध है और आपके ऊपर इंडिया में मुकदमा चलाया जा सकता है, इंडिया में मुकदमा क्यों चलाया जा सकता है, आप इंडियन सिटीजन हैं और अपराध वेश्यावृत्ति इंडिया में तो अपराध है, वहाँ हो चाहे ना हो, तो आपके ऊपर इंडिया में उस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाएगा और ये माना जाएगा कि आपने ये अपराध किया है। यह है सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 5, ये माना जाएगा कि वो आपने अपराध इंडिया में ही किया है, ऐसा माना जाएगा, बेशक आपने थाईलैंड में किया है, इंडिया में ही अपराध किया है। सबसेक्शन 5, द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाई एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। इस संहिता के प्रावधान लागू होंगे उस अपराध के ऊपर जो किसी भी भारतीय नागरिक ने इंडिया के बाहर किए हैं। किसी भी भारतीय नागरिक ने इंडिया के बाहर अगर अपराध किए हैं तो इस संहिता के प्रावधान उस पर लागू होंगे। इंडिया का कोई व्यक्ति है, अमेरिका में जाकर उसने कत्ल कर दिया, तो इस संहिता के प्रावधान उस पर लागू होंगे। वो ये नहीं कह सकता कि जी मुझे तो आप अमेरिका के कानून के हिसाब से ही सजा दे दो। नहीं, आप इंडियन सिटीजन हैं, आप पूरी दुनिया में जहाँ भी अपराध करेंगे इंडिया का कानून आप पे लागू होगा, इंडिया की पुलिस को, इंडिया के कानून को ये अधिकार है कि वो आपको अरेस्ट करें, आपके ऊपर मुकदमा चलाएं। एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी, किसी भी पानी के जहाज पर या किसी भी हवाई जहाज पर जो इंडिया में रजिस्टर्ड है उसके ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उसके ऊपर मुकदमा इंडिया में चलाया जा सकता है इस संहिता के प्रावधानों के तहत, बेशक वह पानी का जहाज और हवाई जहाज कहीं पे भी क्यों ना हो। तो क्या चीज़ है? नंबर वन, एक तो हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है कि वो अपराध किया किसने है, इंडियन ने किया हो, पाकिस्तानी ने किया हो, अमेरिकन ने किया हो, रशियन ने किया हो, किसी जापानी नागरिक ने किया हो, किसी ने भी किया हो, इससे हमें मतलब नहीं है। मतलब किस चीज़ से है? कि अगर अपराध पानी के जहाज के ऊपर हुआ है या हवाई जहाज के ऊपर हुआ है, कौन से पानी के जहाज और हवाई जहाज के ऊपर? जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो उस पानी के जहाज या उस हवाई जहाज के ऊपर जिस किसी ने भी अपराध किया है उसके ऊपर इस संहिता के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए, एक पानी का जहाज है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, वह पानी का जहाज अमेरिका के बंदरगाह पे खड़ा हुआ है और उस पानी के जहाज पे एक अमेरिकन नागरिक ने दूसरे अमेरिकन नागरिक का कत्ल कर दिया है। देखिए कितनी विचित्र बात है, पानी का जहाज कहाँ खड़ा हुआ है? अमेरिका के बंदरगाह पे। अपराध किसने किया? अमेरिकन ने। विक्टिम कौन है? अमेरिकन। मुकदमा कहाँ चलेगा? इंडिया में, हमारे देश में चल सकता है। हालांकि अपराध अमेरिका के बंदरगाह पे हुआ है, लेकिन भारतीय न्यायालयों में अपराध क्यों चलेगा? भारतीय संहिता के हिसाब से उसे सजा क्यों मिलेगी? क्योंकि जो उसने अपराध किया था वो उस पानी के जहाज के ऊपर किया है जो
भारत में रजिस्टर्ड है. एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया. कोई भी व्यक्ति जो इंडिया के बाहर बैठा हुआ है, अगर वह किसी ऐसे कंप्यूटर के साथ ऑफेंस करता है जो इंडिया में लोकेटेड है, जो इंडिया में स्थापित है, तो उस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चलेगा इंडिया में इस संहिता के हिसाब से. एक व्यक्ति बैठा है अमेरिका में, बैठा है, अमेरिकन है, इंडियन सिटीजन नहीं है, अमेरिका में है और अमेरिकन भी है, उसने किसी ऐसे कंप्यूटर के ऊपर अपराध कर दिया जो इंडिया में स्थित है. हमारे प्रधानमंत्री के कार्यालय में कोई कंप्यूटर रखा हुआ है, या मेरे घर में कोई कंप्यूटर रखा हुआ है दिल्ली में, और अमेरिका में किसी व्यक्ति ने बैठकर, जो अमेरिकन ही है, मेरे कंप्यूटर को हैक कर दिया, मेरे कंप्यूटर से डेटा उड़ा के ले गया, तो उस व्यक्ति के ऊपर दिल्ली में मुकदमा चलाया जा सकता है और इस संहिता के प्रावधानों के हिसाब से उसको सजा दी जा सकती है. वो ये नहीं कह सकता कि जी मैं तो इंडियन सिटीजन ही नहीं हूँ, फिर मैं तो अमेरिका में बैठा हुआ हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एक्सप्लेनेशन. In this section, the word offense includes every act committed outside India, which if committed in India would be punishable under this Sanhita. Explanation कहता है कि इस section में जो शब्द offense है, इस section में जो शब्द अपराध है, उस अपराध में वे सभी act शामिल हैं जिन्हें India के बाहर किया गया है. अगर उन्हें India के अंदर किया जाता तो वे एक अपराध होते, तो उन सब act को यहाँ पे अपराध माना गया है. तो किसे अपराध माना गया है, फिर से समझ लीजिए, कोई भी ऐसा एक्ट जो इंडिया के बाहर किया गया है, अगर इंडिया में किया जाता और वो अपराध होता तो उसे अपराध ही माना जाएगा. उदाहरण के लिए वेश्यावृत्ति, मैंने आपको बताया था थाईलैंड जैसे कुछ देशों में वेश्यावृत्ति अपराध नहीं है. किसी ने वहां पे वेश्यावृत्ति कर दी तो वो ये नहीं कह सकता कि जी ये तो यहां अपराध ही नहीं है. नहीं, इस संहिता के हिसाब से प्रत्येक वह एक्ट अगर उसे इंडिया में किया जाता और वह अपराध होता तो उसको अपराध माना जाएगा. तो सवाल यह है कि अगर वेश्यावृत्ति को इंडिया में किया जाता तो क्या वह अपराध होता? हाँ, तो इसीलिए उसको अपराध माना जाएगा, बेशक वो इंडिया के बाहर ही क्यों ना किया गया हो. इलस्ट्रेशन है, A, who is a citizen of India, commits a murder in any place without and beyond India, he can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found. A, जो कि एक भारतीय नागरिक है, वह कत्ल कर देता है इंडिया के बाहर, उसके ऊपर इंडिया में मुकदमा चलाया जा सकता है कत्ल करने का, लेकिन इंडिया में कत्ल करने का मुकदमा उसके ऊपर कहाँ चलाया जा सकता है? इंडिया में उसके ऊपर मुकदमा कहाँ चलाया जा सकता है? जहाँ पर वह मिलेगा. इलस्ट्रेशन से बहुत खूबसूरत बात बताई कि इंडिया तो बहुत बड़ा है, अगर दूसरे हिसाब से देखें तो अगर आपने मेरठ में कत्ल किया तो मेरठ में मुकदमा चलेगा, गाज़ियाबाद में कत्ल किया तो गाज़ियाबाद में मुकदमा चलेगा, लेकिन अगर आपने कत्ल अमेरिका में कर दिया तो इंडिया में कहाँ चलेगा मुकदमा? इंडिया में जहाँ कहीं भी वह पकड़ा जाएगा. A, who is a citizen of India, commits a murder in any place without and beyond India, he can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found. तो इंडिया में जहाँ कहीं भी उसको मिलेगा वहाँ पे उसको पर मुकदमा चल सकता है. और अगर वो पकड़ा ही अमेरिका में जाए, वहाँ से डिपोर्ट करके ला रहे हैं, भाई एक तो वो उसने अमेरिका में कत्ल किया, कत्ल करके वो इंडिया में भाग आया है, अब इंडिया में भाग आया, उसको मेरठ में पकड़ लिया गया, तो मेरठ में पकड़ा गया, मेरठ में मुकदमा चल जाएगा. लेकिन अगर अमेरिका में ही उसको पकड़ लिया, अमेरिकन पुलिस ने पकड़ लिया और हमें बता दिया, और फिर हम उसको डिपोर्ट करके ला रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो फिर इंडिया में कौन सी कोर्ट में मुकदमा चलेगा? इंडिया तो इतना लंबा चौड़ा है ना, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, तो फिर इंडिया की किसी भी न्यायालय में उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है. ये फिर गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो किस न्यायालय में उसका मुकदमा चलाएगी. सब सेक्शन 6,
नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग मुटिनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स सोल्जर्स सेलर्स एंड एयरमैन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द प्रोविजंस ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। इस संहिता में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आर्मी जो इस संहिता में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एयरमैन सेलर्स सोल्जर्स और ऑफिसर्स की मुटिनी या डिजर्शंस को प्रभावित करेगी। इसका मतलब कहने का मतलब है जो आर्मी के लोग हैं या जो नेवी के लोग हैं या जो आपके एयरफोर्स के लोग हैं अगर वो मुटीनी कर देते हैं या डिजर्शन कर देते हैं। मुटीनी का मतलब होता है विद्रोह करना और डिजर्शन का मतलब होता है त्याग देना। सपोज करो लड़ाई हो रही है किसी दूसरे देश के साथ और आर्मी के कुछ लोग उस वक्त युद्ध का मैदान छोड़ के भाग जाते हैं तो उसको कहते हैं डिजर्शन। मुटीनी का मतलब होता है विद्रोह कर देना। तो आर्मी के लोग अगर विद्रोह करते हैं या डिजर्शन करते हैं या एयरफोर्स के लोग मुटीनी करते हैं या डिजर्शन करते हैं या एयरफोर्स और या नेवी के लोग अगर मुटीनी करते हैं और डिजर्शन करते हैं तो उनके ऊपर जो मुकदमा चलता है उनके अपने अलग लॉज हैं, उनके अपने अलग कानून हैं। जैसे इंडियन एयरफोर्स एक्ट है, इंडियन आर्मी एक्ट है, इंडियन नेवी एक्ट है, तो उनको उनके अपने कानून के हिसाब से सजा दी जाती है। तो इस संहिता में ऐसा कुछ नहीं है जो उनके अपने कानूनों को प्रभावित करेगा। इसका मतलब जैसा उनके कानून में लिखा हुआ है उसी के हिसाब से उनको सजा मिलेगी। इस संहिता से वो ताकत प्रभावित नहीं होगी। और अगर कोई स्पेशल या लोकल लॉ है तो उस स्पेशल या लोकल लॉ को भी ये संहिता प्रभावित नहीं करेगी। स्पेशल या लोकल लॉ का मतलब लोकल लॉ होता है जो एक निश्चित इलाके में ही होता है। जैसे कोई ऐसा कानून है जो केवल और केवल दिल्ली में ही लागू होता है उसको लोकल लॉ कहते हैं। ऐसे होते हैं जैसे दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट है, केवल दिल्ली में ही लागू होता है। कुछ स्पेशल लॉज होते हैं, स्पेशल लॉज का मतलब होता है जो कुछ विशेष व्यक्तियों के ऊपर ही लागू होते हैं। जैसे आपका पोक्सो हो गया कि अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ कोई यौन अपराध करता है उसके लिए पोक्सो हो गया। या SC ST एक्ट है हमारा कि पिछड़ी जातियों से या दलित लोगों के साथ अगर कोई अत्याचार करता है तो उसके लिए एक स्पेशल एक्ट है। तो उस एक्ट में जो कुछ लिखा हुआ है उसको यह संहिता प्रभावित नहीं करेगी, उसको यह संहिता प्रभावित नहीं करेगी। जो फिर वहाँ जो लिखा हुआ है वैसा ही माना जाएगा। जैसे स्पेशल एक्ट के हिसाब से स्पेशल कोर्ट बनी हुई होती हैं, जैसे पोक्सो के लिए पोक्सो कोर्ट अलग है। अगर किसी 15 साल की बच्ची के साथ किसी ने यौन अपराध कर दिया है तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट है। साधारण कोर्ट में न्यायालय में उसका मुकदमा नहीं चलेगा, उसका मुकदमा कहाँ पे चलेगा? पोक्सो की कोर्ट में। अगर किसी दलित के साथ किसी ने अत्याचार कर दिया है, किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ किसी ने अत्याचार कर दिया है तो SC ST कोर्ट्स अलग होती हैं, वहाँ पे मुकदमा चलता है। अच्छा, लेकिन एक सवाल ये उठता है, सपोज करो एक 15 साल की बच्ची है और वो दलित भी है, उस 15 साल की दलित बच्ची के साथ अगर किसी ने यौन अपराध कर दिया है तो वो एक तो पोक्सो भी प्रावधान भी लागू होंगे और SC ST एक्ट जो है उसके प्रावधान भी लागू होंगे। तो अब वो मुकदमा SC ST कोर्ट में चलेगा या पोक्सो में चलेगा? तो उसका जो मुकदमा है वो पोक्सो में चलेगा। ऐसा क्यों? कि जो भी एक्ट पार्लियामेंट में बाद में बनता है वह लागू होता है। तो SC ST एक्ट पहले बना था, मेरे ख्याल से 1990 के आसपास बन गया था, पक्का मुझे ध्यान नहीं है, पढ़ लेना कहीं पता कर लेना, लेकिन पहले बन गया था। और ये जो पोक्सो एक्ट है ये बाद में बना है, 2005-06-07 के आसपास बना है, एग्जैक्ट साल मुझे पता नहीं है, पता कर लेना, लेकिन पोक्सो बाद में बना है और SC ST एक्ट पहले बना है। तो ये माना जाता है कि जब पोक्सो एक्ट पार्लियामेंट बना रही है तो उसको उस वक्त पता था कि पहले से SC ST एक्ट है, और उसके होते हुए भी उसने कहा पार्लियामेंट ने कि पोक्सो से रिलेटेड सारे के सारे केस पोक्सो की ही कोर्ट में चलेंगे, तो इसका मतलब उसी के प्रावधान लागू होंगे। तो ऐसे केस में मुकदमा कहाँ चलेगा? पोक्सो की ही कोर्ट में, बेशक SC ST लोगों के ऊपर यह केस क्यों ना हो। तो यह था सेक्शन 1 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। पार्लियामेंट ने कानून बदल दिया है, जून में शायद 1 जून से या 1 जुलाई से ये लागू होने वाला है पूरे इंडिया में। मजबूरी है, नया एक्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा हमें भी और आप सब लोगों को भी। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने लिए तो मैं पढ़ूंगा ही भाई, मुझे पढ़ना पड़ेगा, वकालत करनी है तो, है ना। तो अब जब मैं पढ़ रहा हूँ तो
कोशिश करूँगा धीरे धीरे आप लोगों के लिए भी वीडियो बनाते रहूँ। तो ये था सेक्शन वन, फिर जल्दी ही मिलूंगा, वादा नहीं कर रहा हूँ कि कल ही सेक्शन टू लेकर आ जाऊँगा, लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आपके लिए सेक्शन टू लेकर आऊँगा। मिलते हैं आपसे, खुश रहें, सुखी रहें।